हे दोस्तों, कैसे हो? आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ्लिपकार्ट प्लेटर क्या आपके मोबाइल में शो हो रहा है, नहीं हो रहा तो कैसे, कहाँ से दिखेगा, कैसे दिखेगा, कैसे एक्टिवेट करते हैं, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो पूरा देखना। तो मेरा नाम धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो चलिए इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने मोबाइल फोन स्क्रीन में और दिखाता हूं विस्तार से कैसे आपको एक्टिवेट करना है, ये फीचर आपको कहाँ से होगा। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में बता दूं फ्लिपकार्ट पे लेटर होता क्या है। तो फ्लिपकार्ट पे लेटर एक ऐसा सर्विस है जिसमें आपको सामान पहले दे दिया जाता है, सामान आप पहले ले लो, पैसा अगले मंथ देना होता है। तो इसमें आपको कुछ लिमिट दी जाती है 1,000 या 2,000, तो उसके अंडर आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो और पैसा अगले मंथ देना होता है। तो इसके रिकॉर्डिंग में पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में मिल जाएगी, उसको आप पहले देख लो। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल फोन स्क्रीन में और कैसे फीचर्स कहाँ शो होगा, कैसे एक्टिवेट करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों मैं आ गया अपने मोबाइल फोन स्क्रीन में और सबसे पहले हमें फ्लिपकार्ट ओपन कर लेना है। मैं फ्लिपकार्ट ओपन करता हूं। आपके सामने फ्लिपकार्ट का ऐसा होम स्क्रीन या इंटरफेस, ऐसा होम इंटरफेस इसका ऐसा आ जाता है। तो आपको इधर थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों थ्री डॉट क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो हमें माई अकाउंट में क्लिक करना है। माई अकाउंट में क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाता है। दोस्तों तो देख सकते हैं इधर, अगर आपके मोबाइल में फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन दिख रहा है तो ये दिख रहा है हमें, हमें इसको एक्टिवेट करना है। अगर आप में नहीं दिख रहा तो कंपनी के तरफ से खुद में खुद फीचर्स दिया जाता है। इसके रिकॉर्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, वो देख लो। तो हम आज बताने वाले हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो ये हमें शो हो रहा है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। तो हमें इधर इंटर पैन डिटेल, प्लीज हेल्प अस वेरीफाई योर आइडेंटिटी, यानी कि इधर हम पैन नंबर अपना फिलअप करना होगा। तो हम इधर पैन नंबर अपना फिलअप करके आपको दिखा देते हैं। दोस्तों हम इधर अपना पैन नंबर फिलअप करेंगे। आपका जो पैन नंबर हो इधर फिलअप कर देना है। मैं डेमो के लिए आपको दिखा देता हूं अपना पैन नंबर फिलअप करके। फिर आपके सामने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में वेरीफाई आधार, अब आधार हमें केवाईसी के लिए आधार यानी वेरीफाई कराना होगा। तो फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। थोड़ा प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो जाने देते हैं। दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो इधर हम अपना आधार नंबर डाल देंगे। दोस्तों इधर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। हम इधर अपना आधार नंबर फिलअप कर दिए हैं। इसके बाद आपको इधर सामने कैप्चा शो हो रहा होगा, कैप्चा इधर एकदम सही से ही फिलअप कर देना है। जो जैसा कैप्चा है, कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो स्मॉल में हमें सेम फिलअप करना है। दोस्तों इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फॉर एडिशनल सिक्योरिटी पिन हमारे आधार नंबर में भेजा गया है दोस्तों। तो हम अपने आधार नंबर में जो आया है उसे हम ओटीपी इधर फिलअप कर देंगे। हमारा ओटीपी आ गया दोस्तों।
ओटीपी फिलअप करने के बाद इधर आपको क्रिएट फोर डिजिट पिन, आपको फोर डिजिट का पिन इधर चूज कर लेना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है दोस्तों, हमारा टू स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप है रिव्यू एंड सबमिट, तो हमें इधर आपका पूरा डिटेल शो हो जाएगा। मेरा नाम इधर धर्मेंद्र कुमार, ऊपर पैन नंबर धर्मेंद्र कुमार, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा पूरा एड्रेस इधर शो हो रहा है। इधर हम कोष्टक में क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करेंगे दोस्तों। इधर क्लिक करने के बाद हमें सबमिट में क्लिक कर देना है। थोड़ा प्रोसेस हो रहा है, इसके बाद हमारे फोन कुछ इंफॉर्मेशन यानी कि मांग रहा है, तो हमें कंटिन्यू में क्लिक कर देना है दोस्तों। अलाउ अलाउ अलाउ, देख सकते हैं दोस्तों फ्लिपकार्ट पे लेटर क्रंचुलेशन धर्मेंद्र हमें 500 रुपये दिया गया है दोस्तों। हम 500 रुपये का पेलेटर में कुछ भी बाई कर सकते हैं। इसके बाद अगले मंथ हमें पेमेंट करना होता है, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका, वीडियो बना चुका हूँ, वो देख लो। तो हम देख सकते हैं दोस्तों ऐसे एक्टिवेट किए, हमें 500 रुपया मिला है। और हम इसके बाद दोस्तों हमें अपना अकाउंट नंबर KYC करना होगा, यानी कि अपना अकाउंट नंबर सब कुछ फिलअप करना होगा, एक्टिवेट करना होगा। तो हम इधर अपना अकाउंट नंबर आपको अपना डाल देना है, मैं इधर अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद आपको अपना ब्रांच IFSC कोड डालना है, मैं इधर अपना IFSC कोड डाल देता हूं। इसके बाद आपको कंफर्म में क्लिक कर देना है। आपका अकाउंट वेरीफाई किया जा रहा है, देख सकते हैं मेरे अकाउंट में मैसेज आ गया है, जो कि 1 रुपये हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया गया है। चेकिंग योर एलिजिबिलिटी, यानी कि 60 सेकंड के लिए हमारा सब चेकिंग किया जा रहा है, उसी हिसाब से हमको क्रेडिट लिमिट दी जाती है। तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो होगी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे इंफॉर्मेटिव और टेक वीडियो लाते रहते हैं। फिर हम मिलेंगे एक यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।